योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति बाइडेन को उनके मित्रतापूर्ण शब्दों और भारत अमेरिका संबंधों के बारे में उनके सकारात्मक विचारों के लिए धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है, एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। फ्रेंड्स, भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान मुझे अमेरिका के कुछ अन्य सीईओज के साथ मुलाकात करने का भी अवसर मिला। उनके साथ हुई चर्चाओं में भी मैंने भारत के प्रति उत्साह और एक सकारात्मक सोच महसूस किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमारी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को सार्थक करने में गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भारत और अमेरिका के साझे विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, कार्बन कैप्चर जैसे क्षेत्र शामिल है। हमने यह भी निर्णय लिया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं।
उन्हें आपस में जोड़ना हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा गहरा और वर्षों पुराना सहयोग रहा है। आज हमने आर्टेमिस एकॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। संक्षेप में कहूं तो भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के 40 लाख से भी ज्यादा लोग आज अमेरिका की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज सुबह व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इंडियन अमेरिकन्स हमारे संबंधों की असली ताकत है। इन संबंधों को और गहरा करने के लिए हम अमेरिका द्वारा बेंगलुरु और अहमदाबाद में कॉन्सुलेट्स खोलने के निर्णय का स्वागत करते हैं। उसी तरह सिएटल में भारत का नया कॉन्सुलेट खोलेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा यह हमारी साझा प्राथमिकता है। हम एकमत है कि इस क्षेत्र का विकास और सफलता पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उस पर बल दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अफ्रीका को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है। फ्रेंड्स, हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन मूल्यों के आधार पर हम दोनों देशों के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन, आज की उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष G20 समिट के दौरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए भारत और मैं स्वयं भी बहुत ही उत्सुक है। और जैसा राष्ट्रपति जी ने कहा, हम लोगों को
मुझे जाना है बाद में कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए, और इसलिए ज्यादा अधिक समय न लेते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।